हाई एवरी वन दिस इजनिका आज हम बात करने वाले हैं एक बर्ड स्पीशी के बारे में जिसका नाम है लेसर फ्लोरिकर बी से है ये बस्टेड बर्ड्स के बारे में आपने सुना होगा अब ये इनके माइग्रेटरी रूट के बारे में पता किया गया है और लॉन्गेस्ट है ये इन कंट्री माइग्रेशन रूट इनका इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आपकी कोई भी क्वेरी हो आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पर बिकॉज आई फील टूगेदर वीन मेक अफरेंस चाहे फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे पीडीएफ जो है वो आपको वो सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा अब ये बर्ड्स जैसे राजस्थान गुजरात इन एरियाज में पाए जाते हैं तो इस एरिया के जो स्टूडेंट्स हमको देख रहे हैं उस, उनको बता दूँ स्मार्ट कोर्सेस स्टडी आई के पास अवेलेबल हैं राजस्थान पी एस सी जुडिश्री कोर्स जी के टी टी एस आई एस एस सी एस आई यू पी एस सी कोर्सेज़ आप हमारी वेबसाइट पे देख सकते हैं कौन से कोर्सेज हैं या फिर स्क्रीन पे जो नंबर दिया है उस पर कॉल करके डिटेल में जानकारी ले सकते हैं नाउ कमिंग बैक टू आर टॉपिक लेसर फ्लोरिक अभी एक मेजर डिस्कवरी मानी जा रही है डिस्कवरी क्या है माइग्रेशन रूट माइग्रेशन रूट से आप क्या समझते हैं बहुत से एनिमल्स बर्ड्स माइग्रेट करते हैं बर्ड्स के तौर पर जब हम बर्ड्स को एव्स बोलते हैं राइट इनको जब स्टडी करते हैं माइग्रेशन रूट हमको ज़्यादा इनके बारे में स्टडी करते हैं बिकॉज़ हम देखते हैं कि ये ब्रीडिंग एक जगह पे करते हैं पर्टिकुलर जगह पे फिर मूव करके दूसरी जगह पे जाते हैं अब मूव करने के माइग्रेट करने के रीज़न्स बर्ड्स के अलग अलग रह सकते हैं या फिर ब्रीडिंग के लिए माइग्रेट कर रहे हैं या फूड के लिए माइग्रेट कर रहे हैं या क्लाइमेट इनको विंटर समर्स यू नो अलग जगह का सूट करता है तो माइग्रेट कर रहे हैं तो इसी तरह से लेसर फ्लोरिकन्स जो हैं ये भी माइग्रेट करते हैं और इनके माइग्रेशन रूट को स्टडी किया है हमेशा हम बर्ड्स के माइग्रेशन रूट को स्टडी करते हैं तभी कहा जाता है ना इंडिया में कितनी सारी जगहें हैं जहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं साइबेरियन से भी साइबेरिया से भी उड़ उड़ के आते हैं लंबे लंबे उनके रूट्स रहते हैं तो इसके माइग्रेशन रूट को स्टडी किया गया है अब ये जो लेसर फ्लोरिकन्स हैं पिक्चर में आप देख सकते हैं इस तरह से बर्ड दिखता है एंडेंजर्ड uh, बर्ड्स हैं आई यू सी एन में अगर आप देखेंगे इनका स्टेटस जो है वो एंडेंजर्ड है बस्टर्ड ग्रुप के हैं ये याद रखिए और इनको पहली बार ट्रैक किया गया है राजस्थान से महाराष्ट्र के अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट तक कि ये भाई माइग्रेटरी रूट अगर इनका है तो कहाँ से कहाँ तक है तो लॉन्गेस्ट इन कंट्री इन कंट्री मतलब एक ही देश में इंडिया में एक जगह से दूसरी जगह इनका लॉन्गेस्ट माइग्रेटरी रूट है लेसर फ्लोरिकन का राजस्थान से जिसको ट्रैक किया गया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब राजस्थान से ये महाराष्ट्र अहमदनगर में आए तो इनका लार्जेस्ट रूट ये माना जा रहा है अब इस ये स्टडी क्या थी बस्टेड रिकवरी प्रोग्राम क्योंकि मैंने आपको बताया कि इनका कंजर्वेशन स्टेटस जो है वो एंडेंजर्ड है आई यू सी में रेड लिस्ट में अगर आप देखेंगे एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं तो इनके कंजर्वेशन प्रोग्राम्स चलते हैं अब बस्टेड रिकवरी प्रोग्राम के अंदर ये स्टडी जो है वो की गई और इसको आप एक कंजर्वेशन का इनिशिएटिव मान सकते हैं फॉर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और लेसर फ्लोरिकन्स ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी हैं लेसर फ्लोरिकन्स भी हैं तो इस इनके कंजर्वेशन प्लान का एक पार्ट इस स्टडी को मान सकते हो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है ये इस स्टडी को इम्प्लीमेंट uh, कर रहा है हेल्प कर रहा है कंप्लीट होने में और पार्टनरशिप है इसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की अलग अलग स्टेट्स की जहाँ जहाँ यूजुअली ये बर्ड पाया जाता है इंटरनेशनल फंड फॉर हबरा कंजर्वेशन भी इसमें इन्वॉल्व है तो इस स्टडी में कौन कौन इन्वॉल्व है ये आप इस स्लाइड में देख सकते हैं अब ये स्टडी जो है शुकालिया लैंडस्केप जो है अजमेर डिस्ट्रिक्ट से वहाँ से शुरू होती है इनकी पूरा जर्नी ट्रेस करने के लिए कि बर्ड्स कहाँ कहाँ से जाते हैं फ्लोरिकन्स Uh, अपने ब्रीडिंग ग्राउंड से ओरिजिन वाले एरिया में या डाउन साउथ कहाँ पे जाएंगे अब इस स्टडी से क्या हेल्प मिलेगी हम क्यों इस तरह की स्टडीज रिसर्चर्स करते हैं एक्सपर्ट्स करते हैं क्योंकि हम इकोलॉजी को इससे इकोसिस्टम को एक बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और सीजनल मोमेंट्स जो हैं इन बर्ड्स की ब्रीडिंग के लिए या नॉन ब्रीडिंग एरियाज़ में जब लेसर फ्लोरेकन्स जाते हैं तो अभी तक इन पे हमारे पास ख़ास जानकारी नहीं है तो अगर हमें किसी भी बर्ड को या एनिमल को कंज़र्व करना है बचाना है तो हमें उसके बारे में पूरी उसके बिहेवियर के बारे में उसकी मूवमेंट्स के बारे में उसकी माइग्रेशन के बारे में हमको पूरी नॉलेज होनी चाहिए इसलिए ये स्टडी की गई अभी मैं आपको बताऊँगी लेसर फ्लोरिकन्स के बारे में

बहुत अच्छे से लाश ग्रीन ग्रास लैंड्स होते हैं ब्रीडिंग ग्राउंड्स भी इनके ये रहते हैं मॉनसून सीजन में यूजुअली ये ब्रीड करते हैं अब जो मेल रहता है लेसर फ्ल फ्लोरिकन उसका कलर अगर आप देखेंगे तो कंट्रास्टिंग ब्लैक एंड वाइट होता है ब्रीडिंग फ्लूमेज एंड डिस्टिंगटिव एलोंगेटेड हेड है। तो हेड अगर आप उसका देखेंगे लंबी सी गर्दन होती है ब्लैक एंड वाइट कलर में मिलेगा आपको और ये बस्टर्ड्स आपको नॉर्थ वेस्टर्न सेंट्रल इंडिया यूजली अगर मैं आपको बताऊँ ये राजस्थान गुजरात और महाराष्ट्र में जैसे माइग्रेट करके जाते हैं नेपाल में भी पाए जाते हैं इसके सिवाए पाकिस्तान कैम्बोडिया कुछ कंट्रीज़ में पाए जाते हैं और सिमिलर स्पीशीज़ आपको बंगॉल फ्लोरिकन भी मिलेगी वो अलग फ्लोरेक हैं ये लेसर फ्लॉरिकन की हम बात करें सिमिलर स्पीशीज़ बेंगाल फ्लोरिकन है लेकिन वो साइज़ में थोड़ी बड़ी है और उसकी आ, वाइट थ्रोट नहीं होती ओके uh, okay. थोड़ा सा कलर डिफरेंस है लेसर फ्लोरेकन्स और बंगाल फ्लोरिकन्स में इट इज अमंग वर्ल्ड स्मॉलेस्ट बस्टर्ड ये मैं आपको बता दी कि बस्टर्ड फैमिली यूजुअली आपको काफ़ी बड़े बड़े बर्ड्स टॉल बर्ड्स मिलेंगे लेकिन ये स्मॉलेस्ट बर्ड है 510 हंड्रेड टेन टू सेवन फोर्टी ग्राम अडल्ट बॉडी वेट है मेल फोर्टी सेंटीमीटर लॉन्ग होता है फीमेल थोड़ी बड़ी होती है फिफ्टी सेंटीमीटर ओमनी वर्स हैं यूजली स्मॉल लिजर्ड स्मॉल इंसेक्ट्स पे ये फीड करते हैं इन्वर्टिब्रेट्स हो गए जैसे ग्रास होपर्स बीटल्स कैटपिलर्स वर्म्स और छोटे छोटे प्लांट्स ये उनका खाना रहता है उनका उन पर ये फीड करते हैं हैबिटेट बता दिया हाँ मध्य प्रदेश मैंने मिस कर दिया था राजस्थान मध्य प्रदेश गुजरात ये मेन स्टेट्स हैं जहाँ पे आपको लेसर फॉरिकन्स मिलेंगे बाकी मॉनसून सीजन में ब्रीडिंग सीजन में आपको हो सकता है बाकी जगहों पे भी ये मिले पॉपुलेशन स्टेटस आप इसका देखेंगे तो कम होता जा रहा है तभी एंडेंजर्ड है और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया टू में बताता है कि टू बर्ड्स बचे हैं देश में तो इनकी पॉपुलेशन 264 के आसपास है 80 परसेंट डिक्लाइन हुआ है इनकी पॉपुलेशन में अगर आप 2000 से इनका पॉपुलेशन का डेटा देखेंगे तो 80 प्रतिशत कम हुए हैं कम होने का रीज़न ही यही है सबसे बड़ा रीज़न इनके हैबिटेट का है और दूसरा रीज़न है हंटिंग पोचिंग कंजर्वेशन स्टेटस बता चुकी हूँ मैं आपका स्केड्यूल वन में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में इनको प्रोटेक्शन मिलती है क्रिटिकली एंडेंजर्ड ऑन द इंटरनेशनल आई में क्रिटिकली एंडेंजर्ड हो चुके हैं ये तो अगर इनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है तो डेफिनेटली उसके पीछे थ्रेड्स हैं हंटिंग हैबिटेट डिग्रेडेशन ये इनके दो मेन थ्रेड्स हैं और ऑफिशियली इनको एक्सटिंक्ट भी बोला गया है कुछ देशों में जैसे कि पाकिस्तान में कि बहुत ज्यादा हंटिंग से एक्सटिंक्ट हो गए हैं बस्टर्ड अब जैसे मैंने बोला आपको ये बस्टर्ड फैमिली से बिलोंग करते हैं बस्टर्ड टॉल बर्ड स्पीशीज है ट्वेंटी टू स्पीशीज हैं इसमें और रिलेटिवली ओपन हैपीडाट्स में अफ्रीका सेंट्रल साउथ यूरोपियन कंट्रीज एशियन साउथ एशिया ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे बस्टर्ड स्पीशीज आपको मिलेंगी मोस्टली दे आर अफ्रीकन और स्पीशीज जो इंडिया में पाई जाती हैं बस्टर्ड की वो हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बंगाल फ्लोरिकन लेसर फ्लोरिकन आज हम लेसर फ्लोरिकन की हमने बात की मैकविन बस्टर्ड होबोरा बस्टर्ड तो ये इंडिया में बस्टर्ड स्पीशीज जो है वो पाई जाती है इनकी आगे मैं इनके बारे में आपको बताती हूँ थोड़ा थोड़ा इज तो अ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में आप सुना होगा पिक्चर में आप देख सकते हैं हेवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड है जो वर्ल्ड में पाया जाता है ड्राई प्लेन्स में इंडियन सब कॉन्टिनेंट के आपको मिलेगा क्रिटिकली एंडेंजर्ड है इस तरह से ये आप देख सकते हैं नेक्स्ट इंडिया में लेसर फ्लोरिकन से मैंने आपको बोला बेंगाल फ्लोरिकन है अब देखिए लेसर फ्लोरिकन का नेक आपको यूजली व्हाइट भी दिखेगा लेकिन बेंगाल फ्लोरिकन का ब्लैक नेक दिखेगा तो ये भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है तेराई रीजन नेपाल असम वेस्ट बंगाल में ये पाया जाता है और कभी कभी काजीरंगा नेशनल पार्क में भी मैक्वंस वस्टर्ड अगर आप देखेंगे ये डेजर्ट रीजन इंडिया एशिया अक्रॉस कजाकिस्तान मंगोलिया में पाया जाता है तो इसका आ, पिक्चर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं और कुछ स्पीशीज की अगर आप देखेंगे आ, कुछ टाइप राजस्थान में भी पाए जाते हैं हबारा बस्टर्ड जो है ये एक और लार्ज बस्टर्ड है जो कि अफ्रीका से है जैसलमेर बारमेर रीजन ऑफ राजस्थान जो है वहाँ पे ये पाया जाता है तो ये कुछ स्पीशीज़ हैं इसकी बस्टर्ड की जो इंडिया में है Uh, ये प्रिंट मीडिया में देखिए ना फर्स्ट एंडेंजर्ड लेसर फ्लोरिकन कैप्चर्ड ऑन कैमरा इन टाडोबा टाडोबा में भी एंडेंजर्ड लेसर फ्लॉरिक्स जो हैं वो देखे गए हैं बाकी हमने लेसर फ्लॉगन्स की माइग्रेटरी रूट पे बात की कि इंडिया में माइग्रेटरी बर्ड्स इन कंट्री इनका लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट माइग्रेटरी रूट है विच ऑफ द विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रुप ऑफ एनिमल्स दे रखे हैं तो बताइए कौन से एंडेंजर्ड स्पीशीज में आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है डू अटेम्प्ट बाकी आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं कोर्सेज की जानकारी के लिए ई पे भी अवेलेबल है हमारे कोर्सेस आप कॉल करके डिटेल जानकारी ले सकते हैं थैंक यू सो मच